वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपका साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिर शे हुसैनी और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी मुल्तान शेफ़ आसान आलिया रशीदिया दिख रहे हैं उम्मीद है खुदा बंद कतु से कि आप सब लोग खैरियत होंगे और आज की जो बड़ी ख़ास वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो जिसके लिए बहुत से लोगों अक्सर बल्कि शायद माशरे का एक चलन हो गया या तो मियाँ है या बीवी तो उस नाराजगी को कैसे ख़त्म किया जाए ये इतने फ्री मोड में यह वीडियो बना रहा हूँ कि मैं सोफे से उतर के नीचे बैठ गया आप लोगों से मुखातिब होने के लिए कि किसी भी घर में झगड़ा मियाँ की तरफ से या बेगम की तरफ से अक्सर हमने बुजुर्गों से सुना है सुनाया क्या हकीकत भी है के मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं और एक भी अगर नकारा हो जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती तो बर्दाश्त सबसे बड़ी बात आज अमल वजाइफ जादू का हल इन सब चीज़ों से हटकर मैंने आपसे कुछ गुफ्तगू कु करनी थी इस मौजू को लेकर कि ज़रूरी नहीं है इस मौजू को लेकर हम आप ये बताएं कि आप फलाँ वजीफा करें आपका शोहर ठीक हो जाएगा फना वजीफा करें आपकी बीव गमराजी हो जाएगी या फला वज़ाइफ करें तो आप लोगों को मोहब्बत कायम हो गई तो मोहब्बत कैसे कायम हो गई सबसे बड़ी बात है बर्दाश्त करना अगर आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं झगड़ा अमूमन जो मियाँ बीवी के दरमियान होता है वो इस बात को लेकर होता है कि शोहर जब बोलता है कि मुझसे ये गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मैं इस बात को नहीं मानता मुझ बस तुम झूठ बोलती मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तुमने ये किया मुझसे बर्दाश्त यही बात अगर बीवी शुरू कर दे मुझसे इतनी बर्दाश्त होता जी आप झूठ बोलते हैं फला भाई गलत बात को तो ही बर्दाश्त करना होता है सही बात तो <laughs> सबको बर्दाश्त करने वाली होती ना बात सही है तो ठीक है तो जहाँ आपने बर्दाश्त करना, करना होता है वो गलत बात ही होती है जिसको बर्दाश्त करना होता है वो गलत रवैया होता है जिसको बर्दाश्त करना होता है वो गलत तरीक़ेकार होता है जिसको पहले आपने सब्र से बर्दाश्त करना होता है जब आप बर्दाश्त कर चुके होते हैं जब आपका शोहर या आपका बेगम जो उस वक्त अल्टून में है गुस्से में है ग़ा सरकार की हरी से गुस्सा हराम है तो गु़स्से में कभी भी आपके मुँह से अच्छे अल्फाज नहीं निकलेंगे आप तारीफ़ नहीं करेंगे गुस्से में शोहर हो या बेगम वो उल्ट उल्ट ही बोलेंगे वो कभी भी सही बात नहीं करेंगे तो उस वक्त अगर एक बंदा गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए कि या तो खामोशी के साथ बर्दाश्त करें नहीं होता तो आप अपनी जगह तब्दील कर लें, कहीं साइड पे चले जाएं। बेहतर ये है कि वो गलत भी बोल रहा है खामोशी के साथ उसको सुने जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए जब वो सब कुछ कह चुके तो उसके बाद उसे बड़े ही प्यार और बड़े अंदाज से समझाएं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी आपको सुनने में गलती आपको मुगालता लगा अगर बात का अंदाज ऐसा हो तो मसले हल होते हैं और अगर मुकाबला शुरू हो जाए दोनों तरफ से शोहर तो है मिजाजी खुदा वह जो बोल रहा है और बेगम उसका मुकाबला शुरू करना शुरू कर दे तो मुझे ये बताएं वो कौन सा जादू होगा वो कौन सा तावीज़ होगा वो कौन सा अमल और वजीफा होगा जो आप के दरमियान मोहब्बत को कायम कर दे मोहब्बत एहसास जज्बात का एक नाम है रवैया नहीं है आप अगर एक दूसरे के लिए एहसास रखते हैं आपके लिए एक दूसरे के लिए जज्बात है और उन जज्बात और एहसास की कदर है तो आप लोगों के दरमियान मोहब्बत कायम है और अगर नहीं है तो फिर वो बनाई भी जाती है मोहब्बत कायम भी की जाती है अगर एक को मोहब्बत है और दूसरे को नहीं है तो दूसरा अपने एहसास और जज्बात से उसको ख़रीद ले अपनी बर्दाश्त से उसको ख़रीद ले शोहरों या बेगम अगर आप एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे एक दूसरे के साथ सब्र के साथ पेश आएंगे तो मामला काफी हद तक ठीक हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद भी चले कुछ लोगों में सख्ती होती है और वाक होती है तो सख्ती को कैसे दूर किया जाए उसके लिए मेरे पास बड़ा ही प्यारा अमल है स्पेशली वो मोहत्तरमा जिनका गुस्सा हमेशा ही वजह हाई रहता है उनके लिए उनको शोहर को चाहिए क्या बोलो आख ग्यारह मरतबा शुरह चार मरतबा और यावदो ये या अल्लाह का बड़ा मुबारक नाम है और मोहब्बत कायम करने वाला है ये एक सौ इक्कीस बार हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ लिया करें अल्लाह करम करेगा अगर शोहर के बीवी के अंदर गुस्सा है चिड़चापन है बद मिजाज है उसका मिजाज ठिकाने आएगा और वो ख़ीन जिनको शिकायत है कि उनके शोहर बहुत गु़स्सा करते हैं बहुत लड़ाइयाँ करते हैं मारपीट के अलावा कुछ नहीं है गालम गलोच के अलावा उनके पास कुछ नहीं है बात को सुनते नहीं हैं समझने की कोशिश नहीं करते सिर्फ झगड़ा करते हैं तो उनके लिए भी है कि आप अबुल आखरदुर पाक गहरा मरतबा शुरह फातिया चार मरतबा और यही यावदो एक सौ इक्कीस मरतबा अब आपने करना क्या है हांडी बना रहे हैं तो आप पढ़ते जाए या दो कसरत के साथ आप चाय बना कर दे रही हैं आप पढ़ते जाए आप पानी पिलाने लगे हैं हती की तो उसमें भी आप फूकने छूकने का कोई अमल नहीं है आपसे सिर्फ पढ़ाई करनी है ये अल्लाह का नाम ही इतना मुबारक और बाबरकत है कि मियाँ बीवी हो बहन भाई हो माँ बाप हो कोई भी झगड़ा जो भी शख्स आपसे नाराज हो वो आपसे राजी होगा हर जायज़ मकसद के लिए या वो बहुत तिर बहादम है तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अच्छी बात फैलाना सदका जा रही है और मेरा आज का पैगाम यही है एक दूसरे को बर्दाश्त करें एक दूसरे को समझें और अपने आप को समझाने की कोशिश भी करें खाली लड़ाई झगड़ों से कुछ हासिल वसूल नहीं होता म सिवाय एक दूसरे को तमाशा बनाने के उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अच्छी बात को फैलाना सद का जारी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपके साथ मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़